अमीर सैयद, वो कहते हैं दुनिया में लड़ाई, जैसे मैंने उनका एक जुमला आपको नकल किया ना, दुनिया में ढेर अकल है, हर आदमी अपनी अकल को पूरी मानता, दूसरे की अकल को आधी, ऐसे ही उन्होंने एक बात कही, बल्कि वो तहरीर में लिख दी। उनका एक मजमून है, लड़ाई एक नुक्ते की है, बात खत्म कर रहा हूं मैं अपनी। हैत मौलाना इशाक साहब कहते हैं लड़ाई दुनिया में तीन ही तहरीकें, मैं भी दावत तबलीग भी दीन का काम, खान का चलाना भी दीन का काम, और दीन की तहरीकें बहुत सारी हैं, सब दीन के काम है, लेकिन फिर भी लड़ाई क्यों, फिर भी इख्तलाफ क्यों, फिर भी जहनों में दूरी क्यों। हैत मौलाना इशाक साहब कहते हैं एक नुक्ते की लड़ाई है, एक नुक्ता लग जाए लड़ाई खत्म, और नुक्ता हटा दिया तो लड़ाई बढ़ती चली। बड़ा मजमून है, मैं बड़ा मजमून नहीं सुनाना चाहता, उनके एक बात बता, वो कहते हैं ही और ही जो है ना उर्दू में ही बनाते हैं, उसके सामने नुक्ता लगते ही वही भी बन गई, और नुक्ता हटाते ही वो ही बन गई। लड़ाई इस बात की, मैं ही दीन का काम करता हूं, मैं ही, जब ये आदमी के सोच में है कि मैं ही दीन का काम करता हूं, लड़ाई है, और जब यू सोचे कि मैं भी दीन का काम करता हूं, ये भी दीन का काम करता है, वो भी दीन का काम करता, कोई लड़ाई नहीं, एक नुक्ते की लड़ाई है, नुक्ता लगा दिया तो लड़ाई खत्म, और नुक्ता हटा दिया तो लड़ाई बढ़ गई। मजमून है मौलाना इशाक साहब का बहुत लंबा, लेकिन मैं तो उसमें से एक बात बताइए आपको, इसलिए हमें नुक्ता लगा के रखना है, नुक्ता को हटाना नहीं है, हमें अपने जहनों में ही का नुक्ता लगाना है, नुक्ता को हटाना नहीं है, ही नहीं लेनी। अगर हमने अपने जहनों में ही ले ली कि मैं ही दीन का काम करता हूं, मैं मदरसा पढ़ा रहा हूं, मैं मस्जिद पढ़ा रहा हूं, मैं जो मकतब पढ़ा रहा हूं, मैं ही दीन का काम करता हूं, बाकी तो फिर ये लड़ाई है, मैं भी दीन का काम कर रहा हूँ, ये भी दीन का काम कर रहे हैं, और ये दीन सब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम है, नबी का फेल है, आपस में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, भी लगानी है, बा का नुक्ता लगाना है, ठीक है, ऊपर और नुक्ता को हटा देंगे तो लड़ाई होगी। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज साथियों, मेरे अजीज तलबाओ, इस बात का जहन बनाना है कि हमें इंशाल्लाह मुअल्लिम भी बनना है, मुबल्लिग भी बनना है, हम मुअल्लिम भी बनकर जिंदगी गुजारेंगे, मुबल्लिग बनकर भी जिंदगी गुजारेंगे। उसके लिए तरतीब तलबा के लिए हमारे बड़ों की तरफ से ऐसी तरतीब कायम की गई है कि तालीमी हर्ज ना हो, इसलिए कहते हैं हफ्ते में 24 घंटे की नमाज जाए, जुमेरात को दोपहर में गए, जुमे में आ गए, वो निजामुद्दीन मरकज के मदरसे में भी वही तरतीब है, सारे मदरसों के लिए, पूरे आलम के लिए एक ही तरतीब बयान करते हैं 24 घंटे में। फिर बकरीद पर 10-12 दिन की, 15 दिन की छुट्टी हो तो भाई 10 दिन लगा दो, चश्माही इम्तहान में 10-12 दिन की छुट्टी हो तो 10 दिन लगा दो, छोटी छुट्टी हो तो 3 दिन लगा दो, कम दिन 10 दिन से कम की छुट्टी है तो 3 दिन लगा दो, ये तरतीब है, ताली भी हज नहीं करना। और जब बड़ी छुट्टी आए 2 महीने की, शाबान में किसी मदरसे में शाबान के पहले हफ्ते में इम्तहान, किसी में दूसरे में इम्तहान, पहले दूसरे इम्तहान, फिर और 15 सवाल तक छुट्टी है, तो कम से कम चिल्ला तो आसानी से लग ही जाता है। उन तलबाओं के लिए जो अभी तालीमी साल चल रहा है, तालीमी मशगूली चल रही है, उनके लिए साल का चिल्ला है, इसलिए नहीं कि भाई मैं तो हाफिज हूं, मैं कुरान सुनाऊंगा, कुरान भी वही सुना देगा, चिल्ले में ही जोड़ी बन जाएगी, कुरान सुनाने की बुनियाद पर वो सालान चिल्ले बना सकते, और जो फारिग हो गए हैं फिर उनके लिए तो वही, एक बार आलिम बन गए तब साल का इब्तिदा हो जाए, चिल्ला ही नहीं तो साल की तश्कील हो जाए, इसके लिए तरतीब है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अजीज तलबा ने अपने अपने मदरसे के अतबार से पर्चे भरे, भाई हमारे मदरसे में 5 काम होते हैं, 24 घंटे की जमात जाती है, 1 जाती है, 3 जाती है, वो तो जाती है।